Hi, welcome back again for remaining five learning from the life of Dr. Rajendra Prasad. Here we are continuing the remaining five learning from the life of Dr. Rajendra Prasad. You must have watched the first part and now we are going into the second part. Learn from this, use your life and grow in your life exponentially. Thank you for watching. Hamari next learning, connecting two power together for the country. ये दोनों को आपस में भड़काते नहीं थे. एक लीडर का काम भड़काना नहीं है, लीडर का काम संयोजन करना है. अकेले राजेंद्र बाबू ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान थे जिसमें फायर ब्रांड लीडरशिप, सुभाष चंद्र बोस एंड नॉन वायलेंस में विश्वास करने वाले महात्मा गांधी में कोऑर्डिनेशन करने का काम राजेंद्र बाबू क्या करते थे. राजेंद्र बाबू ने एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया इंडियन आर्मी फोर्स, जो हमारे पास ऐसी फोर्स जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा था और दूसरी फोर्स जो महात्मा गांधी लाइक वॉलेंट नॉन वॉलेंट दोनों में कोऑर्डिनेशन का काम राजेंद्र बाबू क्या करते थे. और हम सब में विश्वास करना पड़ेगा कि देश की आजादी सिर्फ एक सूत्र से नहीं मिला, दोनों के कोऑर्डिनेशन में मिला. तो देश की आजादी में जितना नाम महात्मा गांधी का है शायद उतना ही नाम और उतना ही वर्चस्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी है जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कराया दोनों विपरीत धुरियों को एक साथ मिटा के रखना. प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच, सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में जो मतभेद दूर करने का काम था इन्होंने ही किया और उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रहा. लर्निंग नंबर 7, एबिलिटी टू रेज फंड्स इन डिफिकल्ट टाइम. जब बहुत ही कम समय था उन्होंने फंड रेज किया, पैसे रेज किया. 1934 में बिहार में आए भूकंप और बाढ़ के दौरान उन्होंने रिलीफ फंड जमा करने के लिए काफी मेहनत की. उन्होंने फंड के लिए 38 लाख रुपए उस समय 1934 में जुटाए जो कि वायसराय के फंड से 3 गुना ज्यादा था. यानी कि जो अथॉरिटी से फंड आना था उसे 3 गुना फंड इन्होंने बिहार में 1934 के भूकंप में इन्होंने जुटाए और इसको लेके आगे बढ़े. इसको कहते हैं कमिटमेंट एंड एबिलिटी टू डू दिस. लर्निंग नंबर 8, करेज टू चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. करेज टू चैलेंज एनी सिचुएशन. चंपारण आंदोलन के समय जब डॉक्टर प्रसाद ने देखा कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो वो भी आंदोलन में शामिल हो गए. उसी आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो राजेंद्र प्रसाद के घर पे रुके. ये देख सकते हैं पूरे शाम से लेकर सुबह तक राजेंद्र प्रसाद के साथ रुके. वो उस वक्त था जब ब्रिटिशर्स कहते थे कि गांधी जी को जिसने भी पनाह दिया वो टेररिस्ट हो जाएगा और राजेंद्र बाबू ने अपने घर में रखा इसी जीरादेई के इसी घर में. यह बात कहता है मुश्किलात में मिशन के साथ रहना, दोस्तों के साथ रहना, यह नहीं कि अपनी अपॉर्चुनिटी देके भाग जाना. लर्निंग नंबर 9, ट्रस्टवर्दी, विश्वास का पात. जब तक किसी भी प्रोफेशन में रहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कॉस्ट अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, सक्सेस के लिए आप में ट्रस्ट होना, खुद में खुद को और लोगों का आप पे होना बहुत जरूरी है. जिस दिन ये ट्रस्ट खत्म हो जाएगा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. राजेंद्र प्रसाद के काम और व्यवहार के देखते हुए भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने राजेंद्र प्रसाद को खत में लिखा था कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं कि तुम पूरी लोगों की मदद करोगे और खराब वक्त में भी लोगों के बीच एकता और प्यार को बनाए रखोगे. ये था ट्रस्ट राजेंद्र बाबू का. राजेंद्र बाबू का 10वां लर्निंग, 10th learning from the life of Dr. Rajendra Prasad. Be humble and grounded. आप कभी भी रहो, कहीं भी रहो, humble रहो, grounded रहो, success को head में लेके नहीं आने दो. मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक बार राजेंद्र बाबू जब जीरादेई गए राष्ट्रपति बनने के बाद तो दोस्तों से बात करने के लिए खलिहान में निकले और शौचालय के लिए वो निकल गए अरहर के खेत में और उस समय पूरी फोर्स घेर रही थी. राजेंद्र बाबू कहने लगे कि भैया मैं तो शौचालय के लिए अरहर के खेत में जाना चाहता था लेकिन इतने फोर्स के बीच में मैं क्या करूंगा.
और फिर राजेंद्र बाबू ने मजाक मजाक में जीरादेई के लोगों से कहा, चाहे मैं कहीं जाऊं, दिल तो मेरा जीरादेई में रहता है, मैं उसी गांव से जुड़ा हूं, उसी गांव के साथ रहूंगा। और आज भी जीरादेई बिहार का वो जगह है जहां पे लोग नतमस्तक करते जाते हैं उस विद्या को, उस कॉपी को, उस किताब को, उस आंसर शीट को जिसमें लिखा होता है एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। दोस्तों एक सिंपल सी चार्ज है, पूरा प्रिपेयर करके रहें और इन बड़े बड़े लोगों से लाइफ से सीखने की बात करें, इनके ऑटोबायोग्राफी के पढ़ें, राजेंद्र बाबू के बारे में नेट पे पढ़ें, बहुत सारे ऐसे मिलेंगी जो हमारे जिंदगी को मोटिवेट करेगी, प्रेरणा देगी, इंस्पायरेशन देगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू हेल्प यू थ्रू दिस टू यू इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।